नाउ अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन तीन कंसेप्ट है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू यू। अंडर पॉपुलेशन जो है उस कंट्री का जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे पॉपुलेशन कम है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज। कोई दे सकता है मुझे अंडर पॉपुलेशन का एग्जांपल? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहां तो किलोमीटर के किलोमीटर तुमको लोग दिखेंगे नहीं। तो वहां पे एरिया बड़ा है पर लोग बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 2 करोड़ लोग का पॉपुलेशन है। इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया और इतना कम पॉपुलेशन, इसलिए तो तुम नोट करो, तुमने सुना होगा बहुत सारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाते हैं। सुना है क्या तुमने? हाँ सर, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग आए। तो इनफैक्ट जापान में दे गिव हॉलीडे, 7 या 10 दिन की छुट्टी लो, गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, ऐसा वो लोग करते हैं जापान में। क्योंकि इतना बुरा हाल है जापान में, पॉपुलेशन इतना स्लो, उल्टा माइनस में चल रहा है। और जापान को सबसे ज्यादा कठिनाई हो रहा है कि सबसे बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो जापान का फ्यूचर इसमें उनको बहुत कठिन दिख रहा है, बिकॉज लोग इतने बिजी रहते हैं काम में, इतने ज्यादा सिंसियर और डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग और स्ट्रेस लेते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सुसाइड भी जापान में होता है, तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम, स्ट्रेस लोग सवाल ही नहीं उठता। तो अंडर पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, नेचुरल लोग कम। ओवर पॉपुलेशन में तुम बताओ, तुमको पता चलेगा कहाँ है ओवर पॉपुलेशन? इंडिया। तुम जहां पे भी जाओ तुमको लोग मिल ही जाएंगे। तुम गांव में भी चले जाओ लोग मिल ही जाएंगे। बॉम्बे जैसी जगह में 2 करोड़ लोग, सो ओवर पॉपुलेशन, जितने रिसोर्सेज है, इंडिया चाइना तो बेस्ट एग्जांपल है, जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन। लेकिन एक अच्छा है, थोड़ा भी लोग भी समझदार हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंट्रोल में आ ही जाएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन आई थिंक अमेरिका में, अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है मैंने बताया था, आई थिंक लैंड मास बहुत बड़ा है अमेरिका कनाडा का, उनका पॉपुलेशन भी ऑप्टिमम है। तो आई थिंक 30 करोड़, कंसिडरिंग द एरिया दैट दे हैव, तो वो ऑप्टिमम लेवल पे चला जाता है। करेक्ट। सो ये तुमको जस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम दे रहे थे।